जब आपको करने नहीं आता है, जब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई कैसे काम करना है, एडमिशन कमेटी कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन से हाथ जोड़कर निवेदन है कि प्लीज इन सभी मामलों पे जल्द से जल्द कार्रवाई करें, नहीं तो ये बच्चों के बीच में अगर जाएगा मैसेज तो विश्वविद्यालय की जो एक गरिमा है, जो आइकन है, जो वैल्यू है, ये बहुत ही ज्यादा डिमिनिश्ड हो जाएगा और प्रशासन को इस पे जवाब देना पड़ेगा। सो प्लीज रिक्वेस्ट है एडमिशन कमेटी पूरे कटाप को एक बार रिवाइज करे और उसके बाद कटाप को रिलीज करे, या फिर जो भी इस पे करना है भाई आप करो, क्योंकि मैं इतना जानता हूं कि ये गलत है और ऐसे बहुत सारी डिटेलिंग मेरे पास है और ये आपको ही पता है कि गलतियां कहां से हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पता, आपको पता है गलतियां कहां से हो रही है, लेकिन बस एक गलती छुपाने के चक्कर में दूसरी और तीसरी और चौथी गलती हो रही है, इतना डिले हो रहा है। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, डिले क्यों हो रहा है? 15 अगस्त से 20 अगस्त तक वो क्लास स्टार्ट कर रही थी, पीजी अभी पूरी की पूरी पोर्टल खाली पड़ी हुई है, स्टार्ट तक नहीं हुआ है, ना स्पोर्ट्स कोटा का कोई अपडेट है। आपको तो ये भी नहीं पता है कि जो कम क्वांटिटी के एप्लीकेशंस नंबर हैं उनके कम से कम प्रैक्टिकल के लिए ईमेल जाना चाहिए, उनको पता कैसे चलेगा कि भाई उनके प्रैक्टिकल के एडमिट कार्ड पोर्टल पर रिलीज हो गया है? इसके लिए तो भाई कोई जवाब देगा, लेकिन नहीं, आप बस पोर्टल पर चीजों को ला दोगे, हाँ उनको चला गया, कैसे पता चलेगा भाई चला गया? 15 को टेस्ट है कि 17 को टेस्ट है, कैसे किसी का मिस हो जाएगा? लेकिन इन सब पे कोई भी कार्रवाई नहीं है, ऐसे काम नहीं होता है। पिछले 3 सालों से एडमिशन के प्रोसेस को मैंने भी ऑब्जर्व करा है और मुझे अच्छे से पता है कि स्मूथली होता था, लेकिन इस बार जिस तरीके से गड़बड़ियां, डिले, इरेगुलरिटीज, कमियां देखने को मिल रही है, पहली बार हो रहा है। विश्वविद्यालय प्रशासन से निवेदन है, अनुरोध है कि इन सब पे चीजों पे जल्द से जल्द कार्रवाई करें और जो भी इससे जुड़े हुए लोग हैं उन्हें सुझाव दे, और साथ ही साथ जो लोग अनुभवी हैं, जो सक्षम हैं, उन्हें कमेटी का सदस्य बना के इसको पूरा कार्यान्वित करने की कोशिश करें। इस तरीके से काम नहीं चलेगा। बच्चों के भविष्य की बात है, मुझे पता है 12वीं बच्चे हैं तो आप कुछ भी करके निकल लो तो आपको पता, क्योंकि ये तो इनको क्या पता कि भाई ये तो डर रहे हैं। एक बच्चा मुझे बोल रहा है कि मुझे गेट से भगा दिया जाता है। भाई वो आपसे क्यों नहीं क्वेश्चन करेगा जब आपके साथ गलत करोगे? तो क्वेश्चन तो करेगा, क्यों भगा दोगे आप उसे? तो ऐसे नहीं चलेगा भाई, आपको जवाब देना पड़ेगा। ये मनमानी नहीं चलेगी, विश्वविद्यालय किसी नियम कानून से चलता है, ये आपके घर का विश्वविद्यालय नहीं है। सो निवेदन है कि आप इस पर कार्रवाई करें और प्लीज इन सभी मामलों को जल्द से जल्द सुलझाएं और बच्चों को सही तरीके से एडमिशन दें, जैसा उन्होंने मेहनत किया था, उन्हें मार्क्स मिला था। बस आपको 100 के सीधा एक बात, और बच्चों से भी निवेदन है अपना समर्थन बनाएं, कोई भी आवाज नहीं उठाएगा, अपना समर्थन बनाए। आपके लिए अगर आदमी ने आज आवाज उठाई है तो कल को मेरे को भी ये लोग, क्योंकि मैं इसी विश्वविद्यालय का छात्र हूं, मेरे पे भी एक्शन लेंगे तो आपकी जरूरत पड़ेगी मुझे। मेरे पीछे कोई खड़ा रहने वाला नहीं है, लेकिन मैं आपसे तो उम्मीद रखूंगा। सो प्लीज आप सभी से निवेदन है कि प्लीज समर्थन बनाए, जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और आने वाले हर वीडियो को देखें जैसे मैं आपको अपडेट दे रहा हूं। मुस्कुराते रहे, बहुत सारी शुभकामनाएं, हर हर महादेव। प्लीज आपसे निवेदन है जो छात्र हैं उनके लिए, पैनिक मत होना, परेशान मत होना, सब सही होगा, क्योंकि मैं आंखें बंद करके नहीं बैठा हूं और ऐसे बहुत सारे छात्र हैं इस विद्यालय में जिनको जब पता चलेगा तो आपके हित के लिए खड़े नजर आएंगे। सो प्लीज आपसे निवेदन है, आप लोग समर्थन बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ें। ट्विटर का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं, जाके ट्वीट मारें, अपने पर्सनल आईडी से ट्वीट मारें, जो लिंक में डाला हूं उससे जाकर ट्वीट मारें, बीसी को पता चलना चाहिए कि इस तरीके की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। मुस्कुराते रहे, बहुत सारी शुभकामनाएं।